बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दानिशान लोग मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और बहरा कहता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं किधर, ये तो सीक्रेट बात है, इंशाल्लाह चलो आपको बताते हैं, जब उधर पहुँच जाए तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। तो मेरा वेट कर रहे उधर दोस्त है, उधर जाके फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ। तो कहीं नहीं जाना है, वीडियो पूरी देखना है। और हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल में नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो ये चाचू है और दोस्त भी है। तो अभी हम इधर से जितने भी खुराक की चीज़ें हैं वो लेंगे। और ये कुकर मैंने पीछे बांधा हुआ है। तो वहाँ पे खुराक नहीं मिलती, तो इसी वजह से हम इधर से ही चीज़ें लेंगे। दोस्तों अभी पहुंच गए किधर, यूसुफ बाबा। और ये इस यूसुफ बाबा का मज़ार जो आपको नज़र आ रही है सामने, बहुत मुश्किल से आया हूँ यार, चलो फिर भी पहुंच गए। लेकिन अभी इधर दुआ करेंगे और फिर इंशाल्लाह अब आगे जाएंगे, उधर बहुत खूबसूरत जगह। तो चलो जी मेरे साथ रहिए। अब तुम जाओ, आपकी बार ये दुआ कर लो फिर आ जाओ। ठीक है। चलो जी अभी जाएंगे, दुआ कर ली। तो ये यूसुफ बाबा की खबर है। और ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े दरख्त, नख्तर, हम इसको नख्तर बोलते हैं। तो अभी हम आए हैं मलक वकील के जुंगड़े में, जुंगड़ा हम बोलते हैं घर को। तो इधर हम आए हैं, हमने यूसुफ बाबा जो जगह था मैंने आपको बता दिया कि वो उधर उसका कब्र भी है, लोग उधर तक आते हैं। लेकिन ये जगह जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगे हुए, वकील द वकील जुंगड़ा पश्तो में लिखा है, जुंगड़ा घर को बोलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखिए मैं आप लोगों को इस जगह का विज़िट करवाता हूँ। बहुत खुली मैदान है और दरख्ते भी हैं और बड़े बड़े पहाड़ भी है। इधर यूसुफ बाबा का कब्र जिस जगह पर है, साथ ही ये रास्ता आया हुआ है ऊपर, तो ये इस जगह को आती है ये रास्ता। तो जब आगे आओगे तो ये जगह आपको मिलेगी, इधर बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खामोश जगह, इधर मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। और बहुत से मेहमान इधर आते हैं और ये कच्ची आबादी है, देखिए ये सारे मेहमान इधर आते हैं, ये भी मेहमान हैं हमारी तरह। और ये कमरा है, ये भी कच्चा है, देखिए आप देख सकते हैं। मलिक वकील साहब कहता है कि अगर कोई आता है तो हर टाइम वेलकम है हमारे डेरे में। तो बहुत ही खूबसूरत जगह, ये देखिए इधर अभी हमने नमाज भी पढ़ा है। और ये डॉग है लेकिन ये कुछ कहता नहीं है, बहुत ही वफादार जानवर है। और मलिक साहब का ये डेरा है जो मैंने आपको अभी विज़िट करवाया है, और वो सामने उनके घर है, आपको नज़र आ रही है वो। तो बहुत ही खामोश जगह है और देखिए ये हवा भी चल रही है, बहुत ही मज़ा कर रहा है। और ये जगह माशाल्लाह बहुत ही ठंड है, हमारे चरसद्दा से भी ये जगह ठंडा है क्योंकि पहाड़ों पे आए हैं, तो इसी वजह से बहुत ही ठंडी जगह है। बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है आपको नज़र आ रही है। बहुत ऊंची है लेकिन कैमरे में इसी तरह से
इतना ऊंचा ऊंचा नहीं लग रहा है ये पहाड़, लेकिन ये बहुत ही ऊंचा है। देखो ऊपर दरख्त भी लगे लेकिन बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, और ये कच्ची आबादी बहुत ही ठंडा होती है। तो अभी तैयारी शुरू है कुछ खाने की, दम पोख बना रहे, दम पोख, और वो चिकन इसमें डालेंगे। और हमारे साथ ये शायद भाई है, काका जी मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएं। अभी तो पहुंचे, व्यूअर्स को ये बताना है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, और नहीं साथ में वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी। और आपका जो राय है, आपकी जो बात है, वो कमेंट में हमें बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। बिल्कुल, लोकेशन कैसी लगी? लोकेशन अभी आपको और भी लोकेशन दिखाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही खाना खत्म करेंगे। इस टाइम हमारी फुल फोकस इस डिज की पे है, ये कब तैयार होगा, इसमें किस तरह का जायका आएगा। बिल्कुल, इसमें लीमू को मिलाए, लीमू इसके ऊपर डाले, और साथ में भी नमक डालेंगे यार, नमक इसके ऊपर डालना। और ये शिमला मिर्च का क्या करना है यार? ये वैसे डेकोरेशन के लिए रखा है। और हमारा जो दम पोख है वो बन रहा है, और काका जी आग जला रहे हैं इसमें। काका जी कितना टाइम है इसमें? बस 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बस, फिर तो तैयार है, लेकिन भूख भी बढ़ चुकी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है, और ये इसके साथ वॉशरूम भी है, लेकिन ये पक्के 3 वॉशरूम है। और ये मलक वकील साहब जो है ना, बहुत मेहमान नवाज बंदा है, हमारे लिए ये लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ लाया इधर। इधर बस अपने लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें लाना है। ये लोग तो वो भी करते हैं, हमें कहे कि हम खाना पकाते हैं, लेकिन हमने साथ हर चीज़ लाया, तो इसलिए ये देखिए ये अभी तैयारी हो रही है। सलाद बन रहा है, और बहुत ही खामोश जगह है। हम अपने सब टेंशन गांव में छोड़ के इधर सो जाए। हमारा गांव भी बहुत खामोश है, लेकिन ये जगह उससे भी खामोश है, क्योंकि वहाँ पर फिर भी रोड वगैरह है, गाड़ियाँ चलती है। क्या हिसाब किताब है? और शाहिद भाई ने माशाल्लाह ये देखिए सलाद बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। और ये ज़बरदस्त यार, बहुत ही मज़ेदार। गाने से उठे भी नहीं थे और बारिश शुरू हो गई, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही जल्दी मौसम बदलता है इधर। देखिए अभी तक सूरज था, और अभी तकरीबन 5-10 मिनट में बारिश भी शुरू हो गई। आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं, मज़ा किया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आपका इसके बारे में क्या तसुरात है? तसुरात बस अभी ठीक हो रहे हैं। दस थैंक यू यार।
تو دوستو ابھی آیا ہے ملک صاحب، تو میں ان سے پشتو میں بات کروں گا۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب څنګه ښه؟ خیر دی تاسو دوم مرحبا۔ خیریت ته ټک ټاک دا دلته چکم دے دا ستا سوزے چکم دے جی او دا رنگی رالو ډی خوله دے خ زبردست ته او دلته ډیر خلک راځي کنه دا غره پاره نو دې دا پاره مونږ ته دوای چلته مطلب دا کم یوسف بابا چې دوی هیستری مونږ ته وای۔ السلام علیکم تاسو د خپل مرګرو د خپل محفل چې تاسو رالی او زمونږ مونږ تاسو کو زه دا زما وکیل نوم دی زه دا پلان غ یوسف بابا اوسیدونکو ما صحیح او د یوسف بابا نه دی خو په 3 کیلومتر کې دا زمونږ ځای دی زمونږ لاړو په خور ته خجی او په خور چې کوم دونه سجرم وکړه دا 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 یوسف بابا چې دی نو دا دا کشمیر دی د کشمیر نه راغلی دی او د زیارت کاکا صاحب مرید دی ها زیارت کاکا صاحب او بیا زیارت کاکا صاحب چې کوم دونه مطلب دی چې دا وظیفه ورکا او دا لکه وته ورکا چې ته بلار شي په دې پلان کې ورونو کې او دا دغه کې دی پلانګر په دې ایریا کې دی چې دا سه وته خو چې دلته کې وته دې ته سلالاوي ها دې ته سلالاوي دې ته سلالاوي او دلته وته سلالاته په تلاشي صحیح بیا دا غوښنه پاسې کوم دونه دغه وظیفه بیا کول او لکه بیا کول بیا دلته کې دی په د دې تقریبا درې نیم سو کال شو چې دا بیا دی وفات شو درې نیم سو کال درې نیم سو کال صحیح باقي چې کوم دونه بیا لاګي نه پښ ما په دې علاقه باندې په دې ځم کې باندې دا خدای ځم کې دا غرونو له خدای دی بالکل په دې غرونو باندې ما چې کوم دونه دا شو کو چې دا بیا مو حکومت حواله کا حکومت تا نو دا ما چې حکومت حواله کنو په دې ایریا باندې هغه ما ته سرکاري ځنګل وکړلو او زه د حکومت نه ډیر خوشاله ما ډیر زیات خوشاله ما چې هغه مو سره دومره انې ملې مرسته کړې چې نن وګورنو تما خیال دی چې په یوسف بابا پسې به دویم نمبر زه چې دینو دا به تازه دی دا به زموږ دا د وکیل جونګر دی به شک به شک تو دوستو کیسا لگا ویڈیو؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے چینل میں نئے آئے ہیں، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔